बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बाउल पैक करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्रीम पेस्ट है हर्बल फ्लेम, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा दीज मोलासेस लुक लाइक दे आर टिपिकल। क्या इनमें टेस्ट वैसा ही आता है? ये ब्लिस का रजनीगंधा फ्लेवर है, चिलम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करने होते हैं बहुत ही माइक्रो होल्स, बट कोको सुल्तान इज बेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। ब्यूटिफुल दिस इज केस बाउल विद फोर डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स, तो बहुत हैवी क्वालिटी का ग्लास बेस मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। और क्या एक्स फंक्शन आ रहा है इसका? फ्लेवर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ट्यूब फ्लेवर्स, लिक्विड फ्लेवर्स, जेल फ्लेवर्स, मोलासेस बेस्ड फ्लेवर्स, बट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम मोलासेस बेस्ड फ्लेवर की बात करें तो इसमें दो मोटा मोटी डिविजन्स हो सकते हैं। वन इज हर्बल फ्लेवर एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल फ्लेवर विच इज ऑल्सो नोन एज टोबैको बेस्ड फ्लेवर्स। टोबैको बेस्ड फ्लेवर्स जैसे कि आपने अल फाखर का नाम सुना होगा, एक्सट्रीम गोल्ड लाइन, अलबुर्ज, ये टोबैको बेस्ड फ्लेवर्स होते हैं। हर्बल फ्लेवर्स कौन से होते हैं? जैसे ब्लैक माम्बा हर्बल फ्लेवर ब्रांड है, ब्लिस हर्बल फ्लेवर ब्रांड है, फॉगेट की ये ट्यूब्स, ये भी हर्बल फ्लेवर है, बट ये मोलासेस बेस्ड हर्बल फ्लेवर नहीं है, ये क्रीम पेस्ट है हर्बल फ्लेवर्स। इस तरीके से हर्बल फ्लेवर्स एंड नॉर्मल फ्लेवर्स, ये दो टाइप के मोलासेस बेस्ड फ्लेवर्स हम देख सकते हैं। हर्बल फ्लेवर्स बेसिकली वो फ्लेवर्स होते हैं जिसके अंदर टोबैको कॉन्टेंट नहीं होता, यानी उनके इन्ग्रीडियंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टोबैको का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। अब पॉइंट आता है कि उनकी पहचान कैसे होती है। हर एक टोबैको बेस्ड फ्लेवर के पैकेट पे मैंडेटरी वार्निंग होती है, जैसे सिगरेट के ऊपर वार्निंग होती है, वैसे ही टोबैको वार्निंग लगी हुई होती है हर एक टोबैको फ्लेवर के पैकेट पे। बट हर्बल फ्लेवर पे ऐसी कोई वार्निंग नहीं होती, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि आपको डब्बे के ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा, इट इज हर्बल फ्लेवर एंड नो निकोटीन एंड नो टोबैको इन्वॉल्व इन इट। इस तरीके से आप किसी भी फ्लेवर के पैकेट को देख करके और ये पहचान सकते हैं कि ये हर्बल फ्लेवर है या नहीं। अब अगर फ्लेवर में टोबैको ही नहीं है तो फिर क्या ही मजा आएगा उसको पीने में। अक्सर प्रो लेवल हुक्का लवर्स तो इसी तरीके से ही सोचते हैं कि ऑफ कोर्स कोई टेस्ट नहीं होगा। ये पूरी तरीके से सच है ऐसा भी नहीं कह सकते, आफ्टर ऑल इट्स अबाउट टेस्ट एंड एसेंस, और ये डिफरेंट परस्पेक्टिव के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हर्बल फ्लेवर्स बेसिकली उन्हीं लोगों को पसंद आते हैं जिनको लाइट किक ही अच्छी लगती है, जिन्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्शनेस पसंद नहीं होती, या फिर जिनको ऐसा फील होता है कि उनका सर भारी हो जाता है टोबैको फ्लेवर्स यूज़ करके, या जिन्हें लगता है कि टोबैको फ्लेवर्स उन्हें बहुत ज़्यादा हिट करते हैं और उनके कंपैरिजन में हर्बल फ्लेवर्स काफ़ी सूदिंग होते हैं। शॉर्ट में समझे तो जिन लोगों का मानना है कि हर्बल फ्लेवर्स जब टेस्ट और धुआं दोनों ही दे रहा है तो ज़बरदस्ती का टोबैको इनटेक क्यों करें, सच भी है क्योंकि हर्बल फ्लेवर्स में आपको लगभग सारे टेस्ट मिल जाते हैं। अभी आप ब्लैक माम्बा ब्रांड देखेंगे तो उसमें आपको कमिश्नर मिल जाता है, ब्रेन फ्रीजर मिल जाता है, ब्लैक माम्बा स्पेशल मिल जाता है, पान मिल जाता है, सारे हर्बल फ्लेवर्स मिल जाते हैं। ऐसे ही ब्लिस में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स मिल जाते हैं, लाइक कुकुम्बरिता फ्लेवर मिल जाता है, चोको मिंट फ्लेवर मिल जाता है, रजनीगंधा, पान स्पेयरमिंट, इस तरीके के फ्लेवर मिल जाते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर हर्बल फ्लेवर्स। तो जब इतने सारे टेस्ट आपको ऑफर कर ही रही है हर्बल फ्लेवर की कैटेगरी, तो फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। यहीं पर ही इसी कंफ्यूजन के बीच में हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इमर्ज होता है कि आखिर क्या है हर्बल फ्लेवर्स? क्या इनमें टेस्ट वैसा ही आता है जैसा नॉर्मल फ्लेवर्स में आता है, लाइक अल्फाखर, अफजल? क्या टेस्ट वैसा ही होता है या फिर डिफरेंट होता है? क्या ये जल्दी जल जाते हैं? क्या इनकी ड्यूरेशन इतनी ज्यादा नहीं होती? इन सभी बातों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वेलकम टू हुक्के पे चर्चा। ये ब्लिस का रजनीगंधा फ्लेवर है, हर्बल फ्लेवर है, दिस इज रजनीगंधा, ये रजनीगंधा है, और ये है आइस वाटरमेलन फ्लेवर। इन दोनों की ही मिक्सिंग करने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में। यूज़ करने वाला हूँ ये चिलम
हलील चिलम, क्ले चिलम। क्ले चिलम में बनाऊंगा हर्बल फ्लेवर। इट्स लाइक हर्बल फ्लेवर तो आपने पिया ही होगा, बट इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे हम किस तरीके से इसको क्ले चिलम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हुक्का लगाने वाला हूँ मैं ये फ्लोरा हुक्का, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हुक्का जो डेजावू की कलेक्शन में आता है, गुड आइकॉनिक हुक्का। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे हर्बल क्रीम पेस्ट के बारे में भी। क्रीम पेस्ट भी इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे कि आइस वाटरमेलन प्लस रजनीगंधा, ये दोनों अगर हम हर्बल फ्लेवर यूज करते हैं तो उसके साथ हम क्रीम पेस्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो टोबैको फ्लेवर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोबैको की लीव्स को क्योर करके और फिर प्रोसेस करके उसकी कटिंग की जाती है और उसके बाद आपका टोबैको बेस्ड मोलासेस आता है जिसके ऊपर अलग अलग ग्लिसरिंग फ्लेवरिंग अप्लाई होती है। बट जब टोबैको इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट में पल्प यूज होते हैं, टी लीव्स यूज होती है, शुगर कैन कॉन्टेंट यूज होता है, फ्लावर पेटल्स यूज होते हैं और उसके साथ ग्लिसरिन, हनी एक्सेट्रा फ्लेवरिंग्स यूज होती हैं। और ये चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई कि लाइक शुगर कैन कॉन्टेंट या टी लीव्स या फिर फ्लावर पेटल्स या फ्रूट पल्प, ये टोबैको के ऑल्टरनेटिव या टोबैको के सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करती हैं जिसकी वजह से इन्हें कम्प्लीटली हर्बल फ्लेवर्स बोला जाता है। उसका एक नमूना अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, दीज मोलासेस लुक लाइक दे आर टिपिकल टोबैको बेस्ड फ्लेवर्स बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर बेसिकली फ्लावर पेटल बेस्ड हर्बल मोलासेस बाय ब्लिस ब्रांड। अलग अलग ब्रांड अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को यूज करते हैं जो लोग हर्बल फ्लेवर्स बनाते हैं। बहुत सारे अच्छे हर्बल फ्लेवर्स ब्रांड्स तो नहीं है इंडिया में, बट कुछ अच्छे फ्लेवर ब्रांड्स में आप ब्लिस को काउंट कर सकते हैं, जोडियाक को काउंट कर सकते हैं, जोडियाक इज अ वेरी रिनोन्ड ब्रांड, बस दो ही फ्लेवर आते हैं उसके अंदर, और आप ब्लैक मंबा को काउंट कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी 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 गुड ब्रांड। तीनों अलग अलग तरीके के चीजों में हर्बल फ्लेवर बनाते हैं, लाइक ब्लिस जो फ्लावर पेटल्स को यूज करके अपना हर्बल फ्लेवर बनाता है, ऐसे ही अगर आप जोडियाक की बात करेंगे वो अपने हर्बल फ्लेवर्स में टी लीव्स यूज करता है, एंड ऐसे ही अगर आप ब्लैक मंबा की बात करेंगे तो शुगर कैन कॉन्टेंट में अपना हर्बल फ्लेवर बनाता है, एंड सबका सेगमेंट अलग अलग टाइप का है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि हर्बल फ्लेवर्स में टोबैको निकोटीन एंड टार बेस्ड कंटेंट नहीं होते, जिसके रीजंस मैंने आपको बताए कि क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है टोबैको, दैट्स नॉट बीइंग मिक्स्ड इन हर्बल फ्लेवर्स। बट इट डजंट मीन कि उसमें स्मोक नहीं होता, ऑफ कोर्स स्मोक होता है, काफ़ी डेंस स्मोक होता है, कितना होता है अभी हम लगाने वाले हैं देखेंगे। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनको मैं बता दूं कि इस वहम में ना रहें कि हर्बल फ्लेवर ज़्यादा हेल्दी है और टोबैको फ्लेवर बेसिकली बहुत ज़्यादा बेकार है। इट्स लाइक दोनों में स्मोक होता है एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बाउल पैक करने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा, मेरे हाथों में है क्रीम पेस्ट वनीला फ्लेवर बाय फॉगेट, दिस इज ऑल्सो 100% हर्बल क्रीम पेस्ट फ्लेवर स्पेशली फॉर हुक्का, और ये वनीला का टेस्ट ऑफर करता है, एकदम प्रॉपर वनीला का टेस्ट आ रहा है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं थोड़ा सा वनीला नीचे वाली लेयर पे लेने वाला हूँ, क्योंकि ये 5 होल वाली चिलम है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा पेस्ट नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा ही पेस्ट ले रहा हूँ, वरना मेरा जो लिक्विड है वो होल्स से होता हुआ मेरे बॉटम तक चला जाएगा। यूजुअली ये प्रैक्टिस फनल चिलम में ज़्यादा अच्छी होती है, बट हम इसमें भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वनीला का क्रीम पेस्ट लिया मैंने, अब चिलम को मंजन करवा दिया, तो जो चिलम की सरफेस है उसके ऊपर मैंने एक वनीला की लेयर लगा दी है। वनीला हर्बल वनीला यूज़ कर रहा हूँ मैं, हर्बल फ्लेवर की ही चिलम बनाएंगे हम, बट ये जो वनीला फ्लेवर है क्रीम पेस्ट फ्लेवर है, क्रीम की लेयर लगा दी मैंने नीचे। तो टेक्निकली अब मैं 3 फ्लेवर्स मिक्स कर रहा हूँ, 3 हर्बल फ्लेवर्स। वन इज आइस वाटरमेलन विच इज़ माई प्राइमरी फ्लेवर, सेकेंडरी फ्लेवर जो मैं मिक्सिंग के लिए उसमें एसेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ रजनीगंधा, एंड जो बेस बनाया है मैंने वो बनाया है इसका वनीला। दोनों साइड से 50-50% के आसपास आइस वाटरमेलन एंड रजनीगंधा मिक्स कर रहा हूँ।
हर्बल फ्लेवर्स भी उसी तरीके से ही मिक्स होते हैं जिस तरीके से हम नॉर्मल फ्लेवर्स को मिक्स करते हैं। हर्बल फ्लेवर्स एक्चुअली वो बिगिनर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो अभी शीशा स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स उन लोगों को जो 24 ईयर्स एंड अबव है, प्लस उन लोगों को जो अभी शीशा स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर उनको एक असेंस चाहिए, एक बेसिक असेंस चाहिए कि शीशे का टेस्ट किस तरीके से होता है और किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप हर्बल फ्लेवर से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ डिसेंट फ्लेवर। फीमेल्स भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। पार्टीज में, फैमिली गैदरिंग में तो हर्बल फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा ही चलते हैं। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस ऑफर कर देता है हर्बल फ्लेवर। बहुत ज़्यादा मेस नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको हिट लगेगा, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब कि हार्शनेस आएगी। स्मूथ होता है, लाइट होता है, अच्छा टेस्ट ऑफर कर देता है। ब्लिस के अच्छे से फ्लेवर्स लीजिए, अच्छी मिक्सिंग कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए, मज़ा आएगा आपको हर्बल फ्लेवर ट्राई करने में। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको हर्बल फ्लेवर को हर्बल फ्लेवर के साथ ही मिक्स करना होता है। आप चाहें तो हर्बल फ्लेवर को टोबैको फ्लेवर्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। एक्चुअली आज हर्बल फ्लेवर डे है, इसकी वजह से हम हर्बल फ्लेवर ही यूज़ कर रहे हैं। जो क्रीम यूज़ करी है वनीला की, वो भी हर्बल है, और बाकी के दोनों मोलासेस भी हर्बल है। इनके पीसेस भी इतने छोटे नहीं होते कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। जूस होता है, बट क्योंकि आज हमारे पास अल्टरनेटिव जूस सोर्स है, तो हम इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्ले चिलम में बना रहे हैं हम अपने हर्बल फ्लेवर मिक्सिंग को। इस मिक्सिंग को कोई नाम देना चाहिए यार, है ना। नाइस, आर बाउल इज रेडी। क्ले चिलम, हालीन क्ले चिलम इज रेडी। अलफंदे की कप शेप हॉट प्लेट यूज कर रहे हैं हम आज। यूजुअली हम कोको सुल्तान प्रेफर करते हैं बिकॉज दिस इज आर लाइक फेवरेट चारकोल कोको सुल्तान, बट आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं कोको बुल। इसको ट्राई करके देखते हैं आज, ट्राई क्या करना है यार, ये भी हम यूज़ करते ही हैं। इन एनी वे इज ऑल्सो गुड चारकोल, नाइस चारकोल। तीन पीस लगाए हैं मैंने, क्यूब्स होते हैं, थोड़ी डिफरेंट पैकेजिंग है, क्यूबिकल शेप की पैकेजिंग है इसकी, बट कोको सुल्तान इज बेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। क्ले चिलम के ऊपर हम फॉइल रोल में से फॉइल निकाल के रैप करेंगे, फॉइल रोल है, एंड 40 माइक्रोन्स की ये शीट है, बहुत हैवी शीट है, बहुत अच्छी खासी हैवी शीट है। कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसमें से आप अपने हिसाब से साइज काट सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे को इसको फाड़ने में भी मेहनत करनी पड़ी, और जिस तरीके से फट रहा था और जिस तरीके से आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटा कागज़ या गत्ता फाड़ रहे हैं आप, उस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो ये रोल है 40 माइक्रोन्स एल्यूमिनियम फॉइल का, बहुत हैवी शीट होती है ये, हाथ भी काट देगी इतनी हैवी शीट होती है। कई लोग रोल प्रेफर करते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें आपको आपका डिज़ायरेबल साइज का फॉइल एट प्रेजेंट टाइम पे मिल जाता है, और उस डिज़ायरेबल फॉइल के साइज़ को आप डिज़ायरेबल साइज के चिलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और चिलम के साथ साथ आप उस फॉइल को यूज करके बंड कवर भी बना सकते हैं, जो कि चिलम के ऊपर एक क्राउन जैसा आपने देखा होगा लग जाता है। मेरे को बनाना नहीं आता, बट अगर आपने शॉप डॉप की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारी टीम बनाती है उसको, कभी मैं भी बना करके ट्राई करूंगा। टू रैप इट जस्ट, और जितना टाइट हो सकता है ना उतना टाइट खींच रहा हूं मैं नीचे से इसको, और उसके अभी आप देख रहे हैं तो फट नहीं रहा, ये वो वाली फॉइल नहीं है नकली फॉइल की, एकदम ऐसा फट जाएगा ये देखिए, पूरा टाइट कर दीजिए इसको। इसी चीज़ के लिए ये 40 माइक्रोन्स वाली जो फॉइल है वो यूज़ में आती है। द सिंगल शीट इज़ अनफ, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने अभी सिर्फ सिंगल शीट ही यूज़ करी है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट की आपको सिंगल शीट में ही बढ़िया काम चल जाता है। रैप कर दीजिए, बढ़िया से टाइट कर दीजिए, साइड से ब्लॉक कर दीजिए अच्छे से जब आप फॉइल यूज़ कर रहे हैं तो, ताकि अंदर अननेसेसरी एयर ना जाए। बाउल इज पैक्ड। इसमें थोड़ा सा आपको हीट मैनेजमेंट का भी ध्यान देना होता है। हीट मैनेजमेंट में ध्यान देने का मतलब ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी हीट में ना रखें, ये ज़्यादा बेटर होगा। रीज़न बीइंग कि टोबैको एक ऐसा मटेरियल है जो हैवी हीट झेल लेता है, बट हर्बल फ्लेवर में ज़्यादातर इस तरीके के मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा हीट झेल पाएंगे। इसके लिए छोटे छोटे होल्स करने होते हैं, बहुत ही माइक्रो होल्स में भी आपका काम हो जाएगा, बट एक्चुअली होल्स इस हिसाब से करने होते हैं कि आपको कितना फ्लो चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक या डेंस स्मोक की तरफ वैसे तो अपना इंक्लाइनेशन नहीं रखता, मेरे को टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादातर लोगों को हैवी डेंस स्मोक ही पसंद आता है हुक्के में, तो इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा होल्स करूँगा।
बट मैं होल्स को पतला रखूँगा, बहुत ही स्लिम और माइक्रो रखूँगा, ताकि मेरे ये जो दो तीन चारकोल के पीसेज हैं ये इमीडिएटली मेरे फ्लेवर को जला करके और राख ना कर दें। आवाज़ देख रहे हैं आप, कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, लग रहा है किसी मोटी फॉइल के ऊपर होल हो रहा है। वरना तो कई बार ऐसा होता है कि पहले जब हम दुकान से सामान लेते थे तो फॉइल में होल किया और छोटा सा होल करना है, पूरी फॉइल शीट ही फट गई। बट अब काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो चुका है इंडिया में, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एंड आई एम क्वाइट मच हैप्पी। मेरी बाउल रेडी है। हाँ, मेरे को मालूम है कि बहुत अच्छी फॉइल पैक नहीं हो रखी, बट ठीक है, मतलब टेस्ट आता है, बढ़िया टेस्ट आता है। कभी मेरे हाथों का हुक्का आपको पिलाऊंगा मैं, और बढ़िया टेस्ट आता है मेरे हाथों के हुक्के में, और इसमें भी बढ़िया टेस्ट आएगा। ज़रूरी नहीं है कि एकदम प्रोफेशनली फ्लार ही बनाना होता है, हुक्के पे फ्लार लगा हुआ है ना, इट इज़ मोर देन एनफ। नॉर्मल होल करो, वो भी वैसा ही टेस्ट देते हैं। अब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो फिर बना लो फॉइल वॉइल पे जो कुछ भी, बंदर वंदर भालू वालू, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, आर्ट की एस्पेक्ट होनी चाहिए। कौन सा चूज़ करें, कौन सा वाले हुक्के बनाएं, रेड भी बनाते हैं। दिस इज़ रोज गोल्ड, दिस इज़ वायलेट, यस एंड दिस इज़ रेड, रेड पे बनाते हैं, इट लुक्स नाइस। इसके साथ आपको चिलम ये वाली मिलती है, दिस इज़ केस बाउल, यस दिस इज़ केस बाउल विद फोर डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स, और ये वैसे होल्स नहीं है क्योंकि इसमें बीच में भी होल नहीं है, और जो होल्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, डीप हैं, और ये चिलम की क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। इसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, वैसे हमने बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, आप चाहें तो यूट्यूब पे जाएंगे। 2018-19 के आसपास हमने इसकी वीडियो बनाई थी के एस चिलम की, और वो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो आज तो हम एक्चुअली खलील चिलम यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करें अगर फ्लोरा हुक्का की, डेजावू का मॉडल है, डेजावू ने रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स निकाले हैं। अगर आप डेजावू का कलेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो डेजावू के मॉडल्स नज़र आ रहे होंगे, 1, 2, 3, ये तीन भी डेजावू के ही मॉडल्स हैं। 4-pipe में डेजावू का ये वाला मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी डेजावू का बहुत एपिक मॉडल आया है एक्स फंक्शन में, एक ये मॉडल भी एक्स फंक्शन में ही है डेजावू का, दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी नाइस मॉडल। डेजावू ने रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त मॉडल्स लॉन्च करें, और ऐसी बहुत सारे मॉडल्स हैं, और उनमें से एक मॉडल है इस कलेक्शन का हैवी क्वालिटी में, दिस इज फ्लोरा। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे फ्लावर शेप नज़र आ रही है, दैट्स व्हाई दिस इज फ्लोरा। और यहाँ पर जो एक डिज़ाइन दे रखा है इस जगह पे, ऐसा लग रहा है जैसे वर्क लगी हुई हो इसके ऊपर, गोल्डन सी और डिज़ाइन है ये भी फ्लावर शेप में ही। थोड़ा सा खोलते हैं इसको, ब्लैक कलर की ग्रोमेट मिलती है, इट इज़ ऑल्सो अ डिसेंट क्वालिटी ग्रोमेट। जब आप इसको खोलेंगे तो बहुत हैवी क्वालिटी का ग्लास बेस मिलेगा, दिस इज वेरी हैवी क्वालिटी ग्लास बेस। अंदर मिलेगी आपको ये डाउन स्टैम, ये इसका डिफ्यूजर है, ये भी डिटैचेबल है बबल्स को स्प्लिट करने के लिए, एंड डिसेंट स्ट्रेंथ है इसके डाउन स्टैम की। देखते हैं पानी आता कितना है इसके अंदर, 750 ml आ चुका है, लेट्स सी। वापस डिफ्यूजर लगा के मेजर कर लें एक बार, परफेक्ट, सो इट इज़ रेडी, ठीक ठाक पानी आ गया इसके अंदर, 800 ml अप्रॉक्स। वापस लगाते हैं प्लेट, क्योंकि मेरे कोयले जल गए हैं और बहुत बढ़िया जल गए हैं, एंड अलाफंदी ने तीनों पीसेस को एकदम रेड रेड हॉट हॉट कर दिया, बहुत बढ़िया जल गए हैं ये कोयले, तीन पीसेस। तो कुछ 2 मिनट हम रखते हैं इसको अपनी चिलम के ऊपर, तब तक हम अपनी पाइप लगाएं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हर्बल फ्लेवर वैसा ही थिक स्मोक ऑफर करते हैं, क्या हर्बल फ्लेवर उसी तरीके की इंटेंसिटी के साथ टेस्ट ऑफर करते हैं, क्या हर्बल फ्लेवर्स 45 मिनट से 1 घंटे तक भी चल सकते हैं। स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, और मैं थोड़ा सा वेट करूँगा इसके गर्म होने का। जस्ट ऐसे रैंडमली पफ मार लिया मैंने, हर्बल फ्लेवर यूज़ करे मैंने, सबसे पहले मैंने क्रीम लगाई थी वनीला की, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट, और प्राइमरी फ्लेवर मैंने रखा आइस वाटर मेलन फ्लेवर ब्लिस का, दैट टू हर्बल, और उसके ऊपर मैंने लगाया रजनीगंधा। मेरे को कभी किसी ने बताया नहीं है मिक्सिंग ऐसी, मेरे को लगा कि ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, एंड इट इज़ अ वेरी गुड मिक्सिंग, मतलब मज़ा आ गया, और क्या एक्स फंक्शन आ रहा है इसका। मज़ा आने वाला है, हल्का सा ये गर्म होगा
थोड़ी सी देर में मेरे को तीसरा कोयला हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर्बल फ्लेवर्स, वैसे मैंने उसको ऑलरेडी अच्छा खासा मॉइस्चर दे दिया है वनीला क्रीम पेस्ट यूज़ करके। ये जो फॉगेट का वनीला क्रीम पेस्ट मैंने लगाया था, इससे मैंने अच्छा खासा इसको मॉइस्चर दे दिया है। बट उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये तीसरा कोयला हटाना पड़ेगा। रीज़न क्या है इसको हटाने का? एक्चुअली में हर्बल फ्लेवर्स बहुत नाजुक सी चीज़ से बने हुए होते हैं, लाइक टी लीव्स हो गए, फ्लावर पैटर्न्स हो गए, फ्रूट पल्प हो गए, तो बहुत जल्दी अपने आप को लाइक बर्न आउट कर लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या टोबैको फ्लेवर्स ज़्यादा देर तक चलते हैं एंड हर्बल फ्लेवर्स कम देर तक चलते हैं? बहुत माइक्रो डिफरेंस होता है ये, बट हीट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली आपके टोबैको फ्लेवर को भी जल्दी जला देगी। कैसे वर्क करता है ये? मान लीजिए आप तीन कोल टोबैको फ्लेवर पे भी अप्लाई करके रखते हैं और उसको रोटेट भी नहीं कर रहे आप, तो क्या होगा, वो ये तीनों कोल्स अपनी जगह पर स्टिक रहेंगे बहुत देर तक। और आप इमेजिन कीजिए कि इतनी देर तक अगर ये कोल्स अपनी जगह पर ही रहते हैं तो वो उस जगह को जला देंगे। अगर कोई भी एक स्पेसिफिक जगह जल जाती है आपकी, यानी उसका मतलब है कि उसके नीचे जो आपका फ्लेवर रखा हुआ है वो बर्न आउट हो चुका है। तो कोई भी एक स्पॉट फ्लेवर का अगर बर्न आउट हो गया आपका, इमीडिएटली वो पॉल्यूट कर देगा आपके पूरे फ्लेवर को। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दैट्स व्हाई कोल्स की लोकेशन को रोटेट करते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप फॉइल यूज कर रहे हैं तो, एंड हीट मैनेजमेंट का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। इफ यू थिंक कि आपको तीन कोल्स की जरूरत है तो आप तीन कोल्स लगाइए। मैंने तीन कोल्स लगाए हैं क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना सेशन थोड़ी देर बाद, यानी मेरे अगले पफ में मुझे फील हो रहा है कि बहुत अच्छा स्मोक और बहुत अच्छा हीट सप्लाई शुरू हो चुका है। तो इस पोजीशन में मैं क्या करूंगा, मैं एक कोल हटा दूंगा। अब मैं इन दो कोल्स को अलग अलग लोकेशंस पे रखूंगा। मेरा काम हो चुका है, धीरे धीरे ये चलते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद, यानी लगभग 10-15-20 मिनट के बाद, जैसे अभी इस डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में दोनों कोल्स लगे हुए हैं, आपको इनकी डिग्रीज हल्की सी रोटेट कर देनी है। थोड़ी देर के बाद हल्की सी और रोटेट कर देनी है। लगभग 3-4 बार आपको एक घंटे के सेशन के अंदर इसको रोटेट करना होता है, तो आपका हर्बल फ्लेवर भी 1-1.5 घंटे तक चल सकता है। यस, 1-1.5 घंटे तक चल सकता है, क्योंकि ब्लैक मांबा एक ऐसा फ्लेवर है जो काफ़ी देर तक चलता है। ब्लिस भी लगभग 1 घंटे के आसपास आपका साथ देता है और बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपको। क्ले चिलम को यूज़ करने का मतलब यही है कि एक्चुअली में आप टेस्ट के पीछे जा रहे हैं, इसलिए आप क्ले चिलम यूज़ कर रहे हैं। जब स्मोक चाहिए होता है आपको, तो फिर आप ऑब्वियसली आप सिलिकॉन यूज़ कर लीजिए, और भी बहुत सारे मेटल की तो बाउल्स आती है, लाइक आप चाहें तो आप मेटल बाउल यूज़ कर सकते हैं। मेटल बाउल तो आपको इतना ज़बरदस्त स्मोक देगा, क्योंकि वो पूरा खुद भी गर्म हो रखा है, उसके अंदर कुछ भी डाल दोगे वो भी गर्म हो जाएगा, और उसके बाद जो भी चीज़ गर्म होगी वो पूरा इवेपोरेट करते रहेगी उसके जूस को, और आपको स्मोक मिलता रहेगा। लेकिन थोड़ी देर तक फ्लेवर मिलेगा, बहुत देर तक आपको स्मोक मिलेगा। बट अगर आप फ्लेवर कंसिस्टेंटली चाहते हैं, लाइक छोटे छोटे पफ्स मारिए, फ्लेवर फील कीजिए, क्या फ्लेवर आ रहा है, मतलब क्या मिक्सिंग आ रही है, हर्बल में इतनी अच्छी मिक्सिंग आ रही है। आप भी ट्राई कीजिएगा इस मिक्सिंग को, बहुत ही 50-50% में मैंने मोलासेस डाला है और क्रीम पेस्ट अप्लाई किया है चिलम के ऊपर। बात करें इस हुक्के की, तो इसका एक फंक्शन आप देख रहे होंगे जो इसके फ्लावर के बिल्कुल बीचों बीच से स्मोक को एक्सहेल कर रहा है, यही है इसका एग्जॉस्ट सिस्टम, और बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। नीचे अगर आप एक वुडन बेस लगाएंगे, एक लाइट लगाएंगे, तो और ऊपर से इस तरीके से अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टली आपका स्मोक तीन डायरेक्शन से बाहर निकल रहा होगा, लाइक दिस इज व्हाट डेजावो इज मेकिंग, लुक परफेक्ट, फ्लो परफेक्ट, ग्लास बेस वेरी हैवी, स्टेम वेरी ब्यूटिफुल, हाइट डिसेंटली वेरी 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 गुड, विद डिफ्यूजर, विद सिलिकन पाइप, विद अ वेरी गुड केएस बाउल क्ले चिलम, एंड अ वेरी गुड फ्लावर पेटल डिजाइन, एंड अ वेरी गुड फ्लावर डिजाइन ऑन इट, और तीन कलर्स में अवेलेबल है। दिस इज रोज गोल्ड, रेड एंड वायलेट, यस वायलेट। इनफैक्ट रोज गोल्ड के साथ सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन है, रेड के साथ गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है, एंड वायलेट के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, अभी ऐसे इस तरीके के मॉडल्स मिल नहीं रहे एक्चुअली में। देजावो इज अ वेरी बिग ब्रांड नाउ।
जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हमने जो ट्राई करी थी वो थी हर्बल फ्लेवर की मिक्सिंग जो अभी चल भी रही है, इट इज़ अ गुड मिक्सिंग। और जो टेस्ट आ रहा है वो आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा ठंडा क्रीमी रजनीगंधा जैसा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, हल्का सा तीखा भी है, मीठा भी है, बहुत लाइट सा जो तीखे को सपोर्ट कर रहा है, एंड एक माइल्ड सा आइसी टच भी है। और वनीला ने जो अपना बेस बना रखा है वो तो बहुत ज़बरदस्त डोमिनेट कर रहा है। हर्बल फ्लेवर्स को आप चाहें तो किसी भी तरीके के हुक्के पर आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइप के हुक्के के साथ ही उसको यूज़ करना होता है। आप उसे किसी भी तरीके के बाउल पर और किसी भी तरीके के हुक्का मॉडल के ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन जिन तरीके से भी आप नॉर्मल फ्लेवर्स पीते हैं उसी तरीके से ही हर्बल फ्लेवर्स को भी पिया जाता है। डिफरेंस जो कि मैंने आपको बताया ही कि एक्चुअल डिफरेंस बेसिकली एक टोबैको कंटेंट का है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, एंड साथ में जो आपके इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें जो कोर इंग्रेडिएंट है उसका एक बहुत मेजर डिफरेंस है। हर्बल फ्लेवर लोग इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज इट कंटेन्स नो निकोटीन, नो टार, नो टोबैको, एब्सोल्युटली 0%। दे आर मेड विद लाइक प्लांट बेस्ड थिंग्स, एंड स्मोक कैसा आता है उसका अंदाज़ा आपने देख ही लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी लिमिट चेक करी जाए कि और कैसा आ सकता है, तो क्योंकि हम फॉइल यूज़ कर रहे हैं तो फॉइल पे तो आपको पता ही है कि वैसे भी बहुत अच्छा स्मोक आता है। जैसा कि आप देख भी रहोगे धीरे धीरे स्मोक बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैंने थर्ड कोल अप्लाई कर दिया है। ये थोड़ी देर तक चल सकता है, क्यों? क्योंकि फ्लेवर का जो मॉइस्चर है वो अभी नहीं उड़ा है, अभी हम इनिशियल सेशन में ही, शुरुआत के 15-20 मिनट ही गुजरे हैं। अगर आप प्रॉपर हीट मैनेजमेंट करते हैं तो टेस्ट आपका काफ़ी देर तक साथ देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि थोड़ी देर के बाद आपका फ्लेवर डाउन होना शुरू होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्लेवर बर्नआउट होना शुरू हो गया है। क्रीम पेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अपना फॉइल हटाइए, क्रीम पेस्ट दोबारा से अप्लाई कर दीजिए ऊपर, आपके मोलासेस को और एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा, और आपके स्मोक की थिकनेस भी बढ़ जाएगी और आपका टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा और आपके फ्लेवर की ड्यूरेशन भी और बढ़ जाती है, बेशक आप हर्बल फ्लेवर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि हर्बल क्रीम पेस्ट में भी आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, जैसे कि दिस इज कमिश्नर, दिस इज डबल एप्पल, कीवी, वनीला, वाइल्ड पान, पान कीवी मिंट, फ्रेंच कीवी, मैंगो मैजिक, फ्रेंच टबैक, वाटरमेलन, फ्रेंच पान, फ्रोजन ब्रेन, ब्लूबेरी, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो इन शॉर्ट जो लोग हर्बल फ्लेवर की प्रेफरेंस रखते हैं वो लोग भी चाहें तो मिक्सिंग्स ट्राई कर सकते हैं, रेगुलर मिक्सिंग ट्राई कर सकते हैं, लेयर बेस्ड मिक्सिंग ट्राई कर सकते हैं। अच्छे चारकोल यूज़ कीजिए, अच्छा HMD डिवाइस यूज़ कीजिए, अच्छी फॉइल यूज़ कीजिए, अच्छी मिक्सिंग, अच्छे फ्लेवर्स ट्राई कीजिए। मिक्सिंग्स में अगर आप चाहें तो फिर जैसे अगर आप हैवी एसेंस वाले टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो 50-50 का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। मिंट यूज़ कर रहे हैं तो मिंट को आप 20-30% के रेशियो में रख सकते हैं। जैसे जनरली मोलासेस में मिक्सिंग होती है मोटा मोटी, उसी तरीके की मिक्सिंग यहाँ पर भी होती है। हर्बल फ्लेवर्स को आप हर्बल प्लस हर्बल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, हर्बल फ्लेवर्स को आप हर्बल प्लस क्रीम पेस्ट भी मिक्स कर सकते हैं और हर्बल प्लस टोबैको भी मिक्स कर सकते हैं। आइडियल मिक्सिंग 50-50% की तो होती है, 60-40 भी रख सकते हैं, 70-30 भी रख सकते हैं। इट इज़ लाइक रीचिंग टू योर सेटिस्फैक्शन पॉइंट कि आपको किस पॉइंट पर जाकर के आपके फ्लेवर के टेस्ट में मज़ा आ रहा है, एंड यही एक्चुअली सब कुछ होता है। अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कीजिए। और इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करके देखें कि यस, हर्बल फ्लेवर्स भी एक चॉइस ऑफ थिंग है और दैट इज ऑल्सो अ वेरी वैल्यूएबल थिंग, एंड जो लोग टोबैको बेस्ड फ्लेवर्स ट्राई नहीं करना चाहते उनके लिए ये एक बहुत बेटर चीज़ है क्योंकि उनको टोबैको नहीं चाहिए और वो टोबैको के साथ एंगेज नहीं करना चाहते तो वो हर्बल फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। सेम वही टाइप की फीलिंग और सेम वही टाइप के इंजॉयमेंट तक पहुंच सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। इन केस आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो तो आप हमसे टच में भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे @shopdop.in। आप देख रहे थे हुक्के पे चर्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शॉप डॉप।